हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ अ फनी वीडियो एंड वीडियो नेम इज फर्स्ट टाइम इन यूके टेकन फ्रॉम द चैनल उजी राजा वीडियोस। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन। हम पहली बार यूके आए हैं, ठंड बहुत है ना? हाँ हाँ, ठंड तो बहुत है। अगर चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए। चाय? वो सामने देखो, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ। हाँ हाँ। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। वो क्या? वो ये कि हम यहाँ पे आ तो गए हैं, पर वो देखिए ना, यहाँ पे वेटर भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये कि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं, बात कैसे करेंगे? हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। मैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ। मीनू देना, इसे मीनू कहते हैं। इधर दो। गुड इवनिंग। बात सुनी? हाँ। वो आ गए। ओ हाँ, हेलो। आप देख रहे हो मैं कैसी फरफर इंग्लिश बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। Please take a seat. Yes. Sit down, please. Oh, sit down. Can I take your order? Order? नहीं गोरा साहब, बोला मैं आपको order कैसे दे सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपसे request करता हूँ। English में बात कर रही ना, उसे समझ नहीं आ रही। हाँ, अभी बोलता हूँ। Dear sir, I beg to say that I am ill. So I cannot come to school today. Please grant me 2 cup of tea. Tea? What's tea? Tea. Oh. You mean tea? Ha. Baked biscuits. आपने तो कमाल कर दिया, क्या इंग्लिश बोली है। थोड़ा ध्यान तुमने भी स्कूल में दिया होता ना, तो इंग्लिश बोल लेती मेरी तरह। Anything else, sir? Yes. मुझे तो बहुत प्यास लग गई है, एक ग्लास पानी भी मंगा दे। पानी भी नहीं? कोई बात नहीं, अभी रिक्वेस्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। Please sit down, both of you. Sit down. Once upon a time, there was a thirsty crow. He was very, very thirsty. He flew. He flew here and there. But could not find water. So please grant me 1 cup of water. हाय, कितनी जबरदस्त इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा वो स्कूल में एप्लीकेशन और थर्स्टी को सही से याद की थी, आज काम आ गई। क्या बात है।
जबरदस्त, वेरी नाइस, गुड, ग्रेट। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन, हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से। काफ़ी ज़बरदस्त थी और काफ़ी क्यूट सूट थी और एक तरह से आप कह लें कि इंग्लिश जो है बहुत ज़रूरी है वाकई में, और एक तरह से आप कहीं भी जाएँ तो इंग्लिश को लोग बोलना बड़ा फ़ख्र समझते हैं, और जब कोई बोल रहा होता है तो उसे बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, चाहे वो मैट्रिक फेल ही क्यों ना हो। तो यानी कि आप कहने के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इंग्लिश हर किसी की लाइफ के अंदर और उसकी शख्सियत के अंदर चार चांद लगा देती है। वैसे तो हम कहते हैं कि हमें अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ जो हकीकत पर मबनी है कि इंग्लिश के बगैर अगर आपको नहीं आती तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप पीछे रह जाते हैं और जो कि काफ़ी लॉस होता है। तो ज़ाहिर लैंग्वेजेस को मतलब सीखना चाहिए, अगर नहीं आती तो सीखें, और जो कि आप कह लें कि बल्कि और दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस को भी सीखना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, हमारे लिए भी बल्कि सबके लिए, जो कि आप कह लें कि इससे बहुत फ़ायदा होता है। और जो कि ये वीडियो अच्छी थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका एंड में ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से कि जो वेटर है उसको उर्दू आती है और फिर वीडियो ख़त्म होती तो फिर ज़्यादा और मज़ा आता, पता है क्यों? क्योंकि जो मतलब ओजी राजा की वीडियोस होती हैं, जितनी भी इनकी वीडियोस हैं, तो उनका जो एंड होता है ना बड़ा काफ़ी सस्पेंस से भरा और मतलब एंटरटेनिंग किस्म का होता है, एंड में राज खुलता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंड में ये राज खुलेगा कि जो है ये वेटर को उर्दू आती होगी और वह सब सुन के तभी हंस रहा था, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन ओवरऑल अच्छी थी, इनकी वीडियो सारी बहुत कमाल की होती हैं, देख के बहुत मज़ा आता है, और इंग्लिश सबटाइटल के साथ ये वीडियो को अपलोड करते हैं, बनाते हैं, जो कि बहुत कमाल की बात होती है। जो लोग उर्दू नहीं समझ सकते वो इंग्लिश में सबटाइटल पढ़ लें और जो कि समझ सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके के साथ बनाते हैं, एक तरह से आप कह लें एडिटिंग भी कमाल की होती है, और जिस हिसाब से शूट करते हैं और जो डायलॉग और मतलब सब कुछ काफ़ी इंटरटेनिंग किस्म का होता है, कंप्लीट फैमिली पैकेज इंटरटेनिंग किस्म की वीडियो होती है जो कि देख के बहुत मज़ा आता है। ये भी अच्छी थी एक तरह से, और ओजी राजा और नीली राजा बहुत मतलब मिलके ज़बरदस्त किस्म का काम करते हैं, और जो भी मतलब इनकी वीडियोज़ इनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी जमती है जो कि देख के वीडियो को मज़ा आता है, और मैं काफ़ी शिद्दत से इनकी वीडियो का वेट करता हूँ, और अभी इस वीडियो का भी मैंने काफ़ी वेट करा, मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि इनकी नेक्स्ट वीडियो कब आए जो कि जिसके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊँ। तो मैंने देखी, मज़ा आया, इसे इन्जॉय किया, और एक तरह से आप कह लें ये भी काफ़ी अच्छी थी, और अपने अंदाज के मुताबिक अपने तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई है जो कि आप कह लें कि मज़ा ऐसे देखिए मैंने इन्जॉय किया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू शेयर विद मी, आई विल बी एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियंस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।